Thank you, Deputy Speaker, sir. The right to education, to free and compulsory education amendment bill 2017. I congratulate Honorable Minister Sri Prakash Javadekar ji for introducing this bill. In 2009, this bill was introduced. At that time, our senior leader, even Murali Manohar Joshi ji, has told for every class there must be examination must be conducted. Without examination, you cannot value the gauge of the student. वो कैसा पास होगा, कैसा ये करेगा, उनका उन्नति का कैसा हो जाएगा, बोलकर वो टाइम में भी बोल दिया था. Those who are sitting in this August House, most of the people they have studied in their mother tongue language only. In the rural area and most of the senior members, they studied in the their mother tongue language. So mother tongue is the one major important. Be vidya vinayana shobate. The Indian culture, Nalanda University and all before Mughals attack. You see the last 800 years, the how the educational system of the country has been got spoiled. 600 साल मुगल्स का आडरित हो गया, उसके अंदर हमारा शिक्षा का ये हो गया. 200 years of the British government, Macaulay has said the to change the system of the India, the power the what the Indian society is having. Macaulay has been changed the system of the education from there onward. आजकल लोगों को मालूम हो गया शिक्षा लेना बोला तो नौकरी करने के लिए काम करना है. आई हैव टू गो फॉर एजुकेशन. जो भी शिक्षा लेगा वो समझ लेगा मुझे नौकरी करना है. दैट शुड नॉट बी द कंसेप्ट ऑफ द एजुकेशन. जो प्राइमरी स्कूल में जाओ कोई भी बच्चा को पूछा तो आप क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, क्या IAS हो जाएगा, कोई आदमी नहीं बोलता है मैं मेरा घर का काम जो है पारंपरिक उद्योग उसमें नहीं जाता हूँ बोलकर कोई भी नहीं बोलता है. मैं किसान बनाता हूँ बोलकर एक आदमी भी आज तक नहीं बोला है. इसके लिए आज वी वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन एंड इन द प्राइमरी एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टुडे द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो ऑन द टीचर्स. पहले घर में पिताजी ये सब लोग जानते थे. स्कूल में बच्चा को भेज दिया तो अगर कोई भी मास्टर उनको बच्चा को मारता है तो मार के सिखाता था. वो बच्चा अच्छा पढ़ने दो बोलकर माता पिताजी भी बोलते थे उनको मारो बोलकर. एक दिन ऐसा भी वो जमाने में बहुत ये था खेत में काम करने के लिए बच्चे चाहिए बोलकर हर आदमी खेत में लेके जाने के लिए इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. एक वरिष्ठ गाँव का स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने के टाइम में बच्चे को टीचर मारता था. टीचर मारने का टाइम में उनका पिताजी जाता है, मास्टर जी उनको मारो ठीक से मारो बोलकर बोलता था. अरे कोई भी बच्चा को मारा तो केस डाल देते हैं, मगर ये मारो बोल रहे बोला तो क्यों बोला तो इनको खेत में खाना लेकर जाने के लिए बोला था, ये स्कूल में आया है इसके लिए इनको मारो बोलकर बोलते थे. ये भी सिस्टम था वो टाइम में. बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स एट दैट टाइम मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर के बारे में रहने से ऐसा होता था. आपको मालूम है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, धारवाड़ इज दी वन ऑफ दी मोस्ट एजुकेशनल हब इन दी कंट्री. यू नो वेरी वेल विद्या इल्लदवनु हद्दिगिंतलु कड़े, कन्नड़ा में आप बोलते थे. विद्या इल्लदवनु मीन्स जो आदमी को विद्या नहीं रहता है वो गिदड़ से भी कनिष्ठ हो जाता है. इसके लिए विद्या इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज द प्राइमरी एजुकेशन. वो प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए दी पेरेंट्स ऑल्सो शुड रिस्पॉन्सिबल. जननी तानो मदल गुरु, बाद में बाकी का गुरु हो जाता है, स्कूल में गुरु हो जाता है, वो गुरु का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. अगर कोई भी गांव में कुछ प्रॉब्लम रहता तो वो जमाने में गुरु जी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे. कोई भी वो गांव में गुरु जी बोल दिया तो वो डिसीजन इज फाइनल. आजकल टीचर्स भी पगार का टीचर्स हो गया है. दैट ऑल्सो शुड बी मेड दिस थिंग. एंड इन द प्राइमरी एजुकेशन इन द ईच एंड एवरी विलेज ऑफ द कंट्री देर आर नो मैथमेटिक्स टीचर्स. मैं विनती करता हूँ जावड़ेकर सर को, आप मैथमेटिक्स टीचर्स का, इंग्लिश टीचर्स का और इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मेजरली आजकल साइंस सिखाने के लिए नो फिजिक्स टीचर्स आर अवेलेबल इन दी एनी रूरल एरिया. इफ़ यू गो फॉर एनी 10th और 12th एजुकेशन
हर आदमी इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, मगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंग्लिश सिखाने वाला कोई टीचर्स देश में नहीं है. इसके लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एजुकेशन के लिए आज प्राइमरी में, इफ द प्राइमरी फाउंडेशन इज स्ट्रांग देन द हायर एजुकेशन में उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा एंड यू विल बिकम ए मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एंड मेरा विनंती है, पूरा देश में पहले मॉर्निंग 7 बजे स्कूल चालू होते थे, मॉर्निंग स्कूल चालू हो गया तो मॉर्निंग 12-1 बजे तक स्कूल में गया तो बच्चे को वो फ्रेश माइंड रहता है, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ग्रास्पिंग पावर विल बी मोर. एंड आफ्टरनून वी कैन गो फॉर इज पारंपरिक उद्योग जो रहता है घर का, उसमें इन्वॉल्व होकर पिताजी और माँ को वो हेल्प भी कर सकते. ऐसा करने से द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो दे कैन गेट टू देयर फैमिली एंड दे कैन लर्न दी फैमिली बिजनेस ऑल्सो. आजकल खाली हमारा बच्चों को एजुकेशन देने में हम ये कर रहे, उनको गुलामगिरी के शिक्षण हम दे रहे. वो स्वतः का इंडिपेंडेंट ही कैनॉट ग्रो इज माइंड. वो हिसाब से आज मैं विनंती करता हूँ, वो भी हमारा ओल्ड सिस्टम जो था उसमें कैसा पारंपरिक उद्योग करके शिक्षा लेने का व्यवस्था था वो किया तो भी अच्छा है. आज पूरा देश में हम देख रहे हैं, हमारा एरिया में, आपका एरिया में भी मालूम है, 100 साल पुराने का स्कूल से मैं विनंती करता हूँ माननीय मंत्री जी से, ये 100 साल पुराने का जो स्कूल्स है उसका वो हेरिटेज बिल्डिंग करके उधर बच्चा वापस स्टडी करने के लिए जाना चाहिए. मेरा विनंती है, अभी पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर का वैल्यू बहुत कम हो रहा था, आज पूरा देश में वी आर रिवाइविंग दी पोस्ट ऑफिस. वैसा ये 100 ईयर्स का जो स्कूल है वो स्कूल भी रिवाइव करके उसको स्पेशल फंड्स दे के वो और वापस हमारा मातृभाषा में शिक्षण मिलना, जैसे हर गांव में जो स्कूल्स है उसको रिपेयर करना, उसको हेरिटेज बिल्डिंग करना करके और हमारा बच्चे ज़्यादा उसमें अभ्यास करने के लिए जाने के लिए व्यवस्था करके वो भी करना चाहिए. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि भाई 100 साल का स्कूल पूरा बंद हो के उधर बहुत बड़ा बड़ा लोग भी उधर से फायदा हो गया है, देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वो हिस्ट्री भी दी स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड. ये सब को देख के आज हमारा प्राथमिक शिक्षा जो है मेजर इम्पॉर्टेंट बोल दिया तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स टीचर का ध्यान में रख के आगे काम करो और मातृभाषा में शिक्षण दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ये इंग्लिश मीडियम और इसमें से बहुत लोग इंग्लिश सिखाते, वही मेरा बच्चा सीखा ऐसा वो बोल कर एजुकेशन में वो हो रहे वो छोड़ के. ये हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देने के लिए मैं माननीय मंत्री को मैं इस बिल के लिए सपोर्ट करके मेरा धन्यवाद बोलता हूँ. थैंक यू वेरी मच.